पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट दी 8 जून नू शाम 4 बजे पंजाब सिविल सकत्तर चंडीगढ़ विखे मुड़ मीटिंग सदी है। पंजाब दे मुख सकत्तर अनिरुद्ध तिवाड़ी वल्लों जारी पत्र च सारे कैबिनेट मंत्रियों अते कैबिनेट अधिकारियों नू हाजर रहन लई कहा गया। तुहानू दस दईए कि इस मीटिंग च भगवंत मान सरकार दी नवी आबकारी नीति बारे चर्चा कर सकते ने। पहला कहा जा रहा सी कि बीते दिन हुई कैबिनेट मीटिंग च नवी आबकारी नीति ते मोर लग जाएगी, पर अजिहा नहीं हो सकिया। पंजाब मंत्री मंडल ने आप सरकार दी पहली आबकारी नीति ते चर्चा नहीं की। इस दे लई एक सब कमेटी बनाई गई है जो आबकारी नीति संबंधी वख-वख इतराजां दी घोख करेगी। कहा जा रहा सी कि सोधी हुई नीति कैबिनेट मीटिंग च रखी जाएगी। हुण देखना यह होवेगा कि अज दी मीटिंग च नवी आबकारी नीति पेश की जाती है कि नहीं। 24 जून तो बजट सैशन शुरू होने वाला है, इस विच हजे कई दिन बाकी ने। सूबा सरकार वालों नवी आबकारी नीति 1 जुलाई तो सूबे च लागू की जानी है, इसलिए अंग्रेजी अते देसी शराब दे ठेके भी अलर्ट किए जाएंगे। इसलिए नवी आबकारी नीति नू कैबिनेट तो मंजूरी लैण च बहुत ही देर नहीं की जा सकती। तुहानू दस दईए कि कैबिनेट वालों आबकारी नीति पास होने तो बाद सूबे च अंग्रेजी अते देसी शराब दे ठेकेदारां नू अलर्ट कर दिते जाएंगे। इस दे लई लाटरी प्रणाली अपनाई जाती है जां नवी नीति नू वरतों च लिआंदा जांदा है, इस ते सारे ठेकेदारां दी नज़र है। सरकार नवी आबकारी नीति नाल अपना मालिया वधाउणा चाहुंदी है। मौजूदे समें च सरकार नू आबकारी नीति तो लगभग 7500 करोड़ रुपए का सालाना मालिया मिल रहा है। सरकार इस नू 30 से 35% तक वधाउणा चाहुंदी है। इस दे नाल ही सरकार शराब नू सस्ती भी करना चाहुंदी है तां जो दूजे सूबियां तो शराब दी तस्करी नू रोकिया जा सके। जदके सूबे दे ठेकेदारां दा मनना है कि सरकार नू नवी आबकारी नीति राही मालिए च 20 से 22% वाधा करना चाहीदा है। इस नाल ठेकेदारां दा कारोबार भी वधिया ढंग नाल चल सकदा है अते इस दे नाल ही शराब दे कारोबार नाल जुड़े पंजाब दे लोकां दा रुजगार भी कायम रहेगा।